दे रहे थे हम लोग, वोट कर रखे हो। अरे तो भीतर बैठ लिए तुम, नाचते था देख लियो कैडो पकड़ ले छोटी है पूछ ले। अबे हम बोले थे पैसा मिलना चाहिए शाम को, जा जय नु जल्दी आ जाओ ये अपना से तो बरसात में तो ब्रो ओए तुमने पिछड़ से आज थोड़ी पहले हो जाए। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों हम आज गए हैं गांव नीरपुर में और यहाँ एक सांप बताया गया है, चलिए देखते हैं कौन सा। बार बार कौन कौन में घर ही हूँ आसपास कोमल ऐसे निकल कर नू आओ कोमल दूर हो ले ऊपर ऊपर जाओ जाओ अरे यार परे सांप तो दूध पिलाती एक दो दिन में मर जाओ फिर सांप कभी दूध ना पिया ये सब नहीं सांप ने 10-15 दिन भूखो प्यासो रखे थे फिर निकलते साथ दूध धर दिए वो क्या करे भूखो मर तो पी गई ये स्पेक्टिकल कोबरा है ये देख सांप ये कौन है मुट्ठू से यह है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। देखो ये बन खा रही है तू ये कोबरा है स्पेक्टिकल कोबरा हाँ जी ये ये मेरी आता मस्ती जब यूं मुन्ने दिखो ये देखो ये बड़े बड़ो ये सी संकर एक बार वो करे उन्हें ये देखो पैर लिया हो जाके जो कई देर हम लोग वोट कर रखे हो। अरे तो भीतर बैठ लिए तुम, नाचते था देख लियो कैडो पकड़ ले छोटी है पूछ ले। अबे हम बोले थे पैसा मिलना चाहिए शाम को, इसको जा जय नु जल्दी आ जाओ ये अपना से तो बरसात में तो ब्रो ओए तुमने पिछड़ से आज थोड़ी पहले हो जा मेरे को छोड़ दियो पूरा ठीक है। ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, यानी जहर बहुत ज्यादा हो बहुत ज्यादा इसका एक बूंद जहर से 20 आदमी मर जाओ अंकल उन लोग पापा लोग घर तो पकड़े हैं ना जो एक मॉम विदेशी का रखा है वो सम्मान सम्मान कर ले कुछ ना है देख ले मम्मी फिर कदे मेरे घर जिद बैठ जाओ कुछ ना फिर कैसे करो एक्सपीरियंस 15-20 साल हो गए कर तो प्रैक्टिस हो गई ना हो गई आपको मेरा मानने नहीं मैं सीख कर रखने भी नहीं हम तो सोचे आज से की दवाई लगाया ना ना एक तो धरती पे जितना भी सांप है पर वो ऊपर ना बैठ को सारा भैरा हो मुंडे घुमा रहे हैं सांप ने सुना है सारा सांप धरती का भैरा हो ये सफेद लाल जैसे बीन लेके मैं सांप बन रहा हूँ पापा आयो भैंस ले आने की बात थोड़ी देर रुती रुक जाओ सांप हमारा सांप थोड़ा टाइम लगाएगा बाबा थोड़ा टाइम लगाएगा खड़ी कर दो तो मैं तो भैंस ले आऊं ये तो टैक्सी चल रही है
शांत करे बेरा के कारण बैठ बैठ वो आ रहा है एक डब्बो रखते थे पकड़ के डाल दिया चलिए इसको पैक कर लेते हैं और इसको रिलीज करके आएंगे। आज की नागपंचमी है, सांपों को मारे ना, कोई भी सांप अगर दिखाई दे तो हमें कॉल कीजिए, हम आएंगे उसको रेस्क्यू करेंगे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इन जीवों की ज़िंदगी बच सके। इंसानों को सांपों से, सांपों को इंसानों से बचाने के संघर्ष में आप हमारा साथ दीजिए। कितना लगी होती कितना लगी होता है चिल्ला लगी हो छोटो सी किसी बावड़ी हो भाई कहीं पड़े हैं छोटो सी लगी होती है जल्दी जा वो छोटो सी चीज़ बताएं कितना देखा कि दांत ये ऊपर होगा इसलिए जहर वाला दांत है ना 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 यो स्पिटिंग कोबरा बने हुए हैं देख एक तो ये दांत है जहर वाला अरे एक ये है जब बाइट करे ना तबे इसके दांत ऊपर निकल के आते हैं ये यार मियां मियां छोटा दांत है ये इतने लंबी स्नेह अपना वो खतरनाक सांप है बहुत ही इतने ऊपर होते हैं चले दोस्त इसे पैक कर लेते हैं और अभी इसको रिलीज करके आएंगे अब चलिए हम देखता रहूं तो गाइस ये हमारे घर पे निकला है खेत में छोड़ देंगे भैया बड़ी नहर पर ना। तो दोस्तों जय श्री राम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्नेक मैन देवाड़ी में और मैं आपका दोस्त विनोद सैनी। दोस्तों हमने आज एक गांव नीरपुर से एक स्पेक्टिकल्ड कोबरा रेस्क्यू किया था। दोस्तों आज नाग पंचमी का दिन है और बहुत ही इन नागों के लिए शुभ है। माना जाता है कि इस दिन सांप को दूध पिलाते हैं, पर ये कथन सत्य नहीं है क्योंकि नागों को हम दूध पिलाएंगे तो सांप कुछ दिन के बाद मर जाएंगे क्योंकि सांपों में वो एंजाइम नहीं होते जो दूध को पचा सकते हैं। दोस्तों सांपों को दूध कभी ना पिलाएं क्योंकि एक मांसाहारी जीव है। सांपों को दूध पिलाने से उसके अंदर पिलाया हुआ दूध उसके लिए जहर बन जाएगा। वैसे तो सांप दूध पीते नहीं हैं, परंतु ये कुछ सपेरे सांपों को कुछ दिन से भूखा और प्यासा रखते हैं और नाग पंचमी के दिन अपनी कमाई के चक्कर में इनको दूध सामने रख देते तो प्यासे होने के कारण ये सांप उस दूध को पी लेते हैं और कुछ दिन बाद इन सांपों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो सांप के शरीर में एंजाइम ना होने के कारण वो दूध ही उसके लिए जहर बन जाता है। तो दोस्तों सांपों को दूध कभी ना पिलाए और अगर आप ऐसे कभी सांप देखे तो हमें तुरंत कॉल कीजिए, ये बहुत ही ख़तरनाक सांप है स्पेक्टिकल्ड कोबरा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले क्योंकि ये मौसम गर्मी का चल रहा है तो आपको हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। हमारे नंबर उसी में हर वीडियो के शुरुआत में चलते रहते हैं। दोस्तों ये देखिए बहुत ही गुस्से में है ये,
चलिए इसको रिलीज कर देते हैं। दोस्तों ये है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। जैसे हम कर रहे हैं दोस्तों, हमारी कॉपी कभी भी नहीं करिएगा, क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट का है। और इस सांप से कभी भी खेल लेना, क्योंकि बहुत ही गुसेल किस्म का सांप है और ये जल्दी से बाइट कर देता है। ये देखिए, इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये देखिए, तो जैसे हम कर रहे हैं ऐसे आप कभी ना करें, क्योंकि हमारा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। दोस्तों हमारा काम कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि ये जानकारी आप तक पहुंची है और आप अगर शेयर करेंगे तो दूसरों तक पहुंचेगी। हमारे नंबर सभी के पास होगा तो हमें तुरंत कॉल कर सकेगा, क्योंकि एक ज़िंदगी बचाने में हम उसका बहुत ही सहयोग करते हैं। किसी भी भाई को अगर सांप काट ले तो हम उसका फर्स्ट एड अगर वहाँ पर नहीं भी होंगे तो भी हम वहीं से दूर से ही करेंगे फ़ोन से, ताकि उसकी जान बच सके। कभी भी ऐसा सांप अगर किसी को काट ले तो उसको कृपा करके बड़े मेडिकल में, सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल जो भी आपको लगता है कहीं भी, उसको लेके जाइए। झाड़ फूक वाले के पास बिल्कुल ना लेके जाए। दोस्तों सुबह जब भी उठे अपने जूतों को पहने तो जूतों को हमेशा झाड़ कर या देख कर पहने, क्योंकि ये सांप जूतों में बैठ जाते हैं और हम जब जूते पहनते हैं तो ये बाइट कर देते हैं और उससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों हम फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और सांपों से जुड़ी जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों अब इसको रिलीज़ कर देते हैं। आज बड़ा ही प्रमुख त्यौहार है नागपंचमी का, जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हमने इन सांपों की जान बचाई है। सभी जीवों को जीने का अधिकार है दोस्तों। देखिए बिना वजह किसी को नहीं काटते। चलिए अब इसको रिलीज कर देते हैं। चलिए दोस्तों फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इंसानों को सांपों से और सांपों के इंसानों को बचाने में संघर्ष में हम आपका साथ दें और हमारे साथ बने रहिए। स्नेक मैन रेवाड़ी, विनोद सैन।